साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। बिट्टा साहब, उत्तर प्रदेश का चुनाव, अभी आपने सुना डॉक्टर अजीज खान ने क्या कहा? तीन बातें उन्होंने कह दी। पहले अपने नेता के बयान पर उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की, जब उन्हें आतंकवाद, आतंकी वारदात, सिविलियंस को किस तरह से टारगेट किया गया वो आंकड़े दिखाने शुरू किए, तो कहते जाके बम गिरा दीजिए, पाकिस्तान पे किसने रोका है? ये राजनीतिकरण पाकिस्तान के यूपीए चुनाव में क्या मतलब है? और सबसे बड़ी बात, ये आतंक जैसे सीरियस मुद्दे को क्या ट्रिविलाइज नहीं कर रहे हैं राजनीतिक दल? देखो त्यागी जी, आपने ये राजनीतिक बहस में तो मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, ना मैं इसमें आना चाहता हूं, पर आपने एक शब्द आखिर में कहा कि आतंकवाद का सबसे बड़ा सीरियस मुद्दा है जिसको वाकई हम समझ नहीं पा रहे। लुधियाना की मिसाल आपके सामने, कुछ दिन पहले लुधियाना के अंदर कोर्ट के अंदर चुनाव सामने था, ब्लास्ट हुआ, कितने लोग शहीद हुए, कई जजेज जो मौके पे नहीं आए, नहीं तो पता नहीं कई उस कोर्ट के जजेज भी उड़ जाते। और तीन दिन के अंदर वो जो आतंकवादी पकड़ा गया, जर्मनी के अंदर पकड़ा गया, और जब उसको पूछा गया उसके तार कहां से मिले, आईएसआई से उसके तार मिले, हरमंदर साहब के पवित्र जगह जहां हिंदू, जहां मुसलमान, जहां सिख, जहां ईसाई नमस्तक करता है, कुछ लोग आए और आके उसका अपमान करने की कोशिश की। किस साजिश? पाकिस्तान की साजिश, आईएसआई की साजिश, और इलेक्शन से बड़ा पाकिस्तान के अंदर सीरियस मुद्दा नहीं हो सकता, वो इसके लिए तैयार रहता। मैं जब पहले पंजाब का चुनाव लड़ा था, पहली बार एमएलए बना, आतंकवादियों ने क्या कहा था, आईएसआई ने क्या कहा था, फतवे पड़ते थे हमारे नाम से, इनकी ऐसी की तैसी क्या कहा था इन्होंने, इन्होंने कहा था बेटा चुनाव लड़ेगा तो लोग जो वोट डालने जाएंगे इसको बम्बो छोड़ा देंगे, लोगों के हाथ काट देंगे, वोट नहीं डालने देंगे। हमने मौत का कफन बांधा, हमें पता था वो शाम को पुलिस के सीनियर अधिकारी हमें धक्का देकर कार से निकाल के घर में भेज देते थे। अमन शांति आया, आतंकवाद की लड़ाई लड़ी, क्या चाहता था उस वक्त पाकिस्तान? पाकिस्तान यही चाहता था कि पंजाब में खालिस्तान बने, पंजाब के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सुरक्षित न रहे, पंजाब हिंदू से तन से टूट जाए। सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान, जो अभी हथियार पकड़े गए, कितने हथियार यूपी में पकड़े गए, कितने पंजाब में, अभी कुछ समय AK-47 गोला बारूद पकड़ा गया, टिफिन बम पकड़ा गया, इसको अकेला यूपी के साथ मत जोड़िए, इसको पंजाब के साथ जोड़िए, पंजाब एक सरहद स्टेट है। पाकिस्तान यही चाहता है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में कोई ना कोई फसाद, और उसके लिए अगर राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी, जो मेरा अनुभव कहता है, हम अपनी वोट और सत्ता के चक्कर में घूमते रहे, अगर हमने एक होकर के कहा अरे लोकतंत्र है, चुनाव लड़ सकते हैं, हर को अधिकार है, बोलने का अधिकार है, पर जहां सीरियस मुद्दा पाकिस्तान आता है उसके ऊपर हमें एक होना पड़ेगा। सुनिए मैडम, नहीं नहीं, राजभर साहब तो अपनी जाति की बात मैं कर रहे हैं। बोलूंगा, पहले चुप करें, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगा। बोलिए। अच्छा, बोलिए त्यागी जी, त्यागी जी, मुझे जितनी कास्ट, जितने धर्म बता रहे, मुझे नहीं पता ये कौन है। मुझे पता है कि मैं एक भारतीय हूं, मैंने अगर अपने शरीरों के ऊपर बम खाए थे, तिरंगा झंडा उठा के, ये तिरंगा झंडा कोई एक कौम का नहीं था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का तिरंगा झंडा था। जलियांवाला बाग के अंदर इस मुल्क को आजादी कराने के लिए अगर कुर्बानी दी थी, उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, हमने राष्ट्र के लिए काम किया। मुझे क्या पता मेरा धर्म मतलब क्या है? मैं बार बार एक बात कहता हूं, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, मेरी सरदार की पहचान इसलिए आती है सबसे पहले कि मैं कहता हूं वंदे मातरम, भारत माता की जय, तब मेरे लिए पगड़ी की इज्जत होती है। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, मुझे आज कास्टों का पहली बार पता चला कि ये कास्टों में, और हम एक अध्यक्ष समाज के, हमें किसी ने मंत्री बनना है, हमें किसी ने चीफ मिनिस्टर बनना है, हमने किसी सेंटर में जाना है, किसी ने MP बनना है, अगर हम समाज के अंदर इस रास्ते पर चल गए तो कैसे बचाएंगे देश को? क्या आजादी की जब लड़ाई लड़ी गई, क्या शहीदी आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्ताफाक उल्ला खां, रानी झांसी, तात्या टोपे,
कौन थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, यूपी की धरती का वो बहादुर शूरवीर जिसने अपने शरीर के ऊपर अब्दुल हमीद अपने शरीर के ऊपर बम बांध करके पाकिस्तान के साथ तहत तबाह किए थे, वो अब्दुल कलाम हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हिंदू। आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ा मैं समझ सकती हूँ, आपका तकलीफ और आपकी पीड़ा मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि आपने आतंकवाद से पीड़ित रहे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी आप फाइटर हैं, पीड़ित नहीं बताऊंगी आपको, आतंक के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा आपको बताऊंगी। पहली बात तो मैं कहा कि जिस तरह की डिबेट है हो रही है यहाँ पर, जिस तरह की बातचीत हो रही है, वाद विवाद हो रहा है, इससे आप आहत महसूस कर रहे होंगे, और जी न्यूज तो देखा जाता है दुनिया भर में, पाकिस्तान में देखा जा रहा होगा, तो ताली पीट रहे होंगे। हम मुद्दे से भटक रहे, मैंने पंजाब की बात आपको सुनाई, यूपी में जो हथियार पकड़े गए मैंने उसकी बात सुनाई, मैंने मानवता की रक्षा की बात सुनाई, मैंने राजनीतिक बात तो नहीं की। अब बात करें नरेंद्र मोदी जी की, मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि चर्चा हुई कि वहां बिरयानी खाने गए, अब नरेंद्र मोदी, इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो नहीं है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं है। जब सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर आपने क्रांति की तरह एक मुद्दा उठाया था, जब पीएम के ऊपर हमला होने वाला था, तो उस वक्त भी मैं बोला था, आज मैं एक बात कहूं, जब पहली बार राष्ट्रपति भवन में शपथ ली गई नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, नवाज शरीफ आए, हमने विरोध किया, पुराने अखबारों की पुरानी कटिंग आप निकाल लीजिए, जब पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी जी गए तब मेरी स्टेटमेंट निकाल लीजिए, हमने उसका विरोध किया, हमने कहा था पाकिस्तान एक धोखेबाज मुल्क है, ये पीठ पे छुरा घोसने क्या किया, दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना, और उसके बाद पाकिस्तान की एआरटी की ताती एक गोली चलती, आज तक ठोक गोली का जवाब देते, फिर किया पुलवामा में हमला, फिर उसके बाद हटाई 370 धारा और पाकिस्तान में घुस करके कितने कैंपों को तबाह करके 500 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सवाल नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, बिरयानी खाने गए या नहीं गए, हमने विरोध किया, पर उसके बाद कि यूनाइटेड नेशन के अंदर, अमेरिका के अंदर, दुनिया के अंदर, वहां के प्राइम मिनिस्टर, यहां के प्राइम मिनिस्टर आए, क्या एक बैठक में पाकिस्तान के साथ चर्चा की, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, आज एक गोली चलती है ना पाकिस्तान की तरफ से 100 चलाते हैं, रोज तिरंगे झंडे का अपमान होता था, रोज जवान पे गोलियां चलती थी, आज मुर्गों की तरह काट काट के इनको, आतंकवादियों को हम ठोकते हैं, ये किया, अरे अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ो, कुछ सदा की लड़ाई लड़ो, पर प्रथम रात ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, प्रथम रात कौन मुसलमान कौन हिंदू कौन सिख कौन ईसाई, त्यागी जी आप मुझे बुलाते, मुझे भिट्टा के तौर पे नहीं आप बुलाते, मुझे देशभक्त के नाम पे आप नहीं बुलाते, आप अगर मुझे बुलाते मुझे फक्र है, पहले मैं भारतीय हूं, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, शुक्रिया करता हूं मैं बुलाते हूं, कौन यार आपस में मोदी जी की बात बना रहे, आप बाद में कर लेना, आप तेजों में कर लेना, अरे मोदी जी कहना हमने विरोध किया, पर उसके बाद मोदी जी ने क्या किया, ठीक सर, ठीक, यूपी का चुनाव ना रखिए, क्या यूपी का चुनाव, अजीज का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने उठाया, एक मिनट मैडम, एक मिनट, चाइना की बात सुन लीजिए, एक गुरतेज सिंह पंजाब का वो योद्धा अमृत छका हुआ, जब आए चाइनीज कुटके से मारा उसको, निकाल करके कृपाण बोले सोनिहार शास्त्री का 25 चैनिकों को मार मार के फेंक दिया, और दिवाली के दिनों में सुनिए मैडम, एक बार मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, सुनिए दिवाली का दिन हो नया साल हो, आप छाती चौड़ी करके चाइना के आगे खड़े हो जाते हैं, चार चाइना गोली, पहली गोली ठीक प्रधानमंत्री का सीमा पार करके फिर जवान, अब तकलीफ होगी, जिनको तकलीफ होगी उनका पता असलियत चल जाएगा, फिर चलेगी मेरे जवान के ऊपर, कितने प्रधानमंत्री बताइए, कितने प्रधानमंत्री नए साल दिवाली के दिन सीमाओं के आगे खड़े होते रहे, बताइए मुझे, लाल बहादुर शास्त्री ठीक सर, ठीक है।